एंड वेलकम एंड कम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माई ग्लैम हेयर के प्रोडक्ट्स रेंज। पूरी रेंज का रिव्यू मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुए तो हे एवरीवन, आई एम कर्णिका और मैं यहाँ इस चैनल पे आपके साथ शेयर करती हूँ मेकअप हॉल एंड प्रोडक्ट रिव्यूज। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन हिट कर दे, जिससे आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि मेरे पास क्या क्या है इस रेंज में। मेरे पास है यहाँ पे माई ग्लैम ओनियन एंड मोरिंगा शैम्पू हेयर फॉल कंट्रोल। सो ये कुछ इस तरीके से है एंड दिस इज अ माई ग्लैम ओनियन एंड मोरिंगा कंडीशनर। एंड द नेक्स्ट वन इज हेयर ऑयल एंड नेक्स्ट इज सिरम। सो ओनियन एंड मोरिंगा इज अ की इन्ग्रीडियंट्स ऑफ होल रेंज। सो आपको हर प्रोडक्ट्स में ओनियन और मोरिंगा मिल जाएगा। सब इनके बेनिफिट्स वगैरह देख ले। फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ मैं शैम्पू एंड कंडीशनर से, बिकॉज दिस इज अ वेरी यू नो बेसिक प्रोडक्ट। सो जो यहाँ पे शैम्पू है उसका मेन की इंग्रेडिएंट्स है ओनियन एंड मोरिंगा, और ये हेयर फॉल कंट्रोल करता है। सुपर फूड एक्सट्रैक्ट्स हैं इसमें, बिल्कुल भी केमिकल नहीं है। दिस फॉर ऑल हेयर टाइप्स, और ये आपके प्रमोट करता है ग्रोथ को और रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। सो ये बॉटल आपको 299 रुपीस की मिल जाएगी, विच इज़ अ 200 ml, और ये 2 years की शेल लाइफ के साथ आता है। एंड माई ग्लैम इज अ इंडियन ब्रांड, सो दिस इज मेड इन इंडिया एंड दिस प्रोडक्ट इज पैराबेन फ्री, मिनरल ऑयल फ्री, कंटेन्स नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स ओनली, SLS फ्री एंड सिलिकॉन फ्री। सो क्लेम करता है कि आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है एंड आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग करता है, रूट स्ट्रॉन्ग करता है एंड ड्राइनेस फ्रिजीनेस जो है उसको कम करता है। सो इन दिस प्रोडक्ट हैव विटामिन्स ए सी एंड ई फॉर लुक हेयर रिच एंड शाइनी, एंड इट हैज़ अ ओनियन एंड मोरिंगा। तो ओनियन इज ऑल्सो गिव्स अ शाइन एंड स्ट्रॉन्गनेस देता है आपके बालों को, जिससे कि हमारी रूट्स स्ट्रांग होती है, हेयर फॉल कंट्रोल होता है। ऑन द अदर साइड मोरिंगा गिव्स अ शाइन एंड नरिशमेंट, जो कि अगर हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, फ्रिजी हो गए हैं, तो उसको वो एक सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। सो ये तो हो गई इस बॉटल में जो लिखी है, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। नेक्स्ट इसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं। तो ये एक इस तरीके के जेल फॉर्म में आता है, जो कि काफी रनी टेक्सचर है एंड लेदर इसमें काफी अच्छा बन जाता है। आपको 2 wash तो करना ही पड़ता है। सो नेक्स्ट फ्रेग्रेंस इज वेरी माइल्ड, वेरी सॉफ्ट एंड बिल्कुल भी चढ़ने वाली नहीं है सर में। सो इसकी कितनी बातें सच है कितनी नहीं है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे हेयर्स जो हैं वो ऑलरेडी डैमेज हैं, एज यू कैन सी के मतलब अब तो टच वुड काफ़ी अच्छे हो गए हैं। लास्ट 2-3 months से जो मेरी स्मूथनिंग थी वो एकदम ओपन हो चुकी थी, हट चुकी थी, तो बिल्कुल भी बाल स्ट्रेट नहीं थे, एज यू कैन सी के किस तरीके से हो जाते हैं स्मूथनिंग हटने के बाद, तो बिल्कुल वैसे ही वेवीनेस आ गई है, रफनेस आ गई है। बट जब से इनका ये न्यू लॉन्च हुआ है माई ग्लैम का, एंड मैंने वहाँ से ये सारी रेंज को पिक करा है, और ये सबसे मेन कि यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल में आपको मिलता है, लाइक 299 rupees में। क्योंकि मैं अगर देखूँ, मैंने ममा अर्थ पे भी खर्च किए थे, तो ममा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स थे वो काफ़ी कॉस्टली थे, उसका शैम्पू ओनियन ऑयल वगैरह सब कुछ थोड़ा कॉस्टली था अगर मैं कंपेयर करूँ माई ग्लैम से। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये ममा अर्थ से बेटर है, प्लस अफोर्डेबल में है, ममा अर्थ से कम प्राइस में आपको ये मिल जाता है। नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ कि मेरे हेयर्स पे कैसा सूट किया। तो मेरे हेयर्स जो थे वो केमिकल ट्रीटेड हेयर्स थे, मैंने हेयर कलर भी करा रखा था, स्मूथनिंग करा रखी थी। आफ्टर दैट मुझे ये प्रोडक्ट इतना अमेजिंगली सूट किया ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सो अभी बिल्कुल फिनिश होने वाली है, इसमें जस्ट 1 wash का ही आई थिंक रह गया होगा शैम्पू, अदरवाइज ये बिल्कुल फिनिश होने वाला है। एंड मैं वीक में इसे 2 times यूज़ करती हूँ। सो आप देख सकते हो कि क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, मेरे को 1 month से ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। तो ये मेरे हेयर्स पे काफ़ी अच्छा इसने वर्क किया है, मेरे हेयर्स में फ्रिजीनेस जो थी वो कम हुई है, ड्राइनेस कम हुई है। सबसे बेस्ट पार्ट कि मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हुआ है, क्योंकि मेरा गर्मियों में उस टाइम पे काफ़ी हेयर फॉल हो रखा था। तो अभी 2-1 महीने से जब से मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया, मेरे हेयर फॉल बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, टच वुड मतलब हो रहे हैं जस्ट बहुत अ लिटिल बिट, क्योंकि बिकॉज ऑफ वेदर चेंज की वजह से कभी कभी हो जाता है।
अदरवाइज भी हेयर फॉल को काफ़ी कंट्रोल किया है. सो मैं इसको 10 out of 10 ही दूंगी बिकॉज इट वर्क्स वेरी वेल. सो नेक्स्ट आते हैं कंडीशनर के ऊपर. तो कंडीशनर सेम है, वही सब इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि शैम्पू में थे, तो इसका वर्क जो है वो भी वही करता है. और इसको लगाने के बाद लाइक मैं कहूँगी कि काफ़ी अच्छे स्मूथ एंड सिल्की हो जाते हैं. जब मैं इसको यू नो कंडीशनर अप्लाई करती हूँ तो इसके अंदर है शिया बटर भी है जो कि आपके बालों को एक मॉइस्चर प्रोवाइड करता है. बिकॉज विंटर्स पे हम लोग कैसे शिया बटर मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना, सेम जस्ट लाइक दैट इसके अंदर वही है. एंड या वन पॉइंट इज दैट कि जो जो एकदम छोटे छोटे दो मुए बाल नहीं होते उनको इसने रिपेयर करा है, क्योंकि मेरे आफ्टर स्मूथनिंग काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो गई थी. तो मेरे जो एकदम शॉर्ट हेयर्स में आ जाते ना दो मुए बाल, इसने उसको कंट्रोल किया है. आई मस्ट से दिस इज़ अ वेरी वेरी हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट. सो यू जस्ट रियली गो फॉर इट. मैंने इससे पहले एक और शैम्पू का रिव्यू किया था, वो मैं आई बटन पे डाल दूंगी. तो वो मेरा फर्स्ट है, सेकेंड दिस वन. ये दो मेरे टॉप फेवरेट शैम्पूज हैं. तो आप लोग 100% को ट्राई करना और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि आपके हेयर स्पेस ने कैसा वर्क किया. तो अगर मैं इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके से कंसिस्टेंसी में आते हैं, जो कि क्रीम टेक्सचर है और काफ़ी स्मूथ, मतलब लाइक बटरी सॉफ्ट, जो शिया बटर का एक टेक्सचर होता है ना सेम इसके अंदर वो वाला फील आता है, और जिसकी वजह से हमारे बालों को एक अच्छा मॉइस्चर मिलता है. फ्रेग्रेंस सेम इसमें एकदम माइल्ड फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल भी केमिकल हार्श वाली फ्रेग्रेंस नहीं है जो आपके दिमाग में चढ़ती है. बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मुझे ये लगा. सेम 200 ml 210 rupees में आपको मिल जाता है. सो प्लीज़ गो फॉर इट गाइज. सो अब आते हैं हेयर ऑयल एंड सीरम पे. हेयर ऑयल की बॉटल कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगी. इट्स अ टोटली ट्रांसपेरेंट बॉटल एंड इसकी अगर मैं बात करूँ, इट्स अ 349 rupees में आपको 100 ml बॉटल मिल रही है. इट्स में भी इस आपको 2 years की शेल लाइफ मिलती है, प्लस ऑनियन एंड मोरिंगा ऑयल इसमें भी मौजूद है. एंड मेरी हेयर फॉल को कंट्रोल करने में इसने बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि आप देख सकते हो वैसे मैं बहुत यू नो टाइम नहीं मिलता तो मैं नहीं लगा पाती, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर हेयर ऑयल लगाऊँ, अच्छे से चंपी करूँ सैटरडे को एंड नेक्स्ट संडे मॉर्निंग मैं वॉश कर दूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम लगा के भी नहीं रख सकती. मेरा बांधने पड़ते हैं बाल तो मेरा सर दुखता है. बाकी हेयर ऑयल काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट है, बिल्कुल स्टिकी नहीं है, चिपचिप नहीं है. फ्रेग्रेंस भी एकदम माइल्ड सॉफ्ट फ्रेग्रेंस है, मोरिंगा की आपको फ्रेग्रेंस इसमें मिलती है. बहुत ही प्यारी सी सॉफ्ट फ्रेग्रेंस मुझे इसकी लगी. इसमें कोकोनट एमंड ऑयल सब कुछ आपको मिल जाएगा, सीजम ऑयल भी है, क्योंकि तो हमारे रूट्स को काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग करता है. सो मेक श्योर कि आप अपने रूट्स पे इस तरीके से अच्छे से चंपी करें. केमिकल इसमें बिल्कुल नहीं है. इस तरीके से फ्लिप में आता है बॉटल में, आपको अंदर इसमें ना थोड़ा सा होल करना पड़ता है. तो बॉटल काफ़ी हैंडी है, क्यूट है, और या मतलब थम्स अप फॉर दिस ऑल्सो. क्योंकि एक होता है कि जब हम पूरी रेंज को यू नो अप्लाई करते हैं अपने किसी भी स्किन पे हेयर्स पे तो वो अपना इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छे से दिखाती है. तो इसीलिए मैं ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर, सीरम सब कुछ एक साथ सेम ही प्रोडक्ट का यूज़ कर रही हूँ आजकल. सो इसका शैम्पू ख़त्म होने वाला है तो मैं इसको रीऑर्डर करने वाली हूँ, बिकॉज दिस इज़ रियली सुपर्ब. सीरम की तरफ, तो सीरम इस तरीके से बॉटल में आपको मिल जाता है. इट्स 399 rupees में 100 ml की बॉटल आपको मिलती है, जिसके अंदर आपको मिलता है ओनियन एंड मोरिंगा सीरम. इट्स अ फ्रिजी कंट्रोल, जो कि आपके जो फ्रिजी हेयर्स होते हैं उनको काफ़ी अच्छा मैनेज करता है. सो समटाइम्स मैं लगाना भूल जाती हूँ, कुछ होता है तो उस दिन मैं फील करती हूँ कि मेरे जो बाल हैं वो थोड़े उड़े उड़े ना यू नो रफ रफ से हो गए हैं, बट जब मैं यूज़ करती हूँ तो एक मैनेज मिलता है मुझे अपने बालों में, काफ़ी अच्छा टेक्सचर भी मुझे मिल जाता है. तो आप देख सकते हो काफ़ी कम क्वांटिटी इसकी यूज़ करने के बावजूद ये इतना फिनिश हुआ है. सो एज यू कैन सी के मैं इसे 1.5 महीने से यूज़ कर रही हूँ, उन्हें सिर्फ इतना सा ही फिनिश हुआ है, क्योंकि इसकी एकदम स्मॉल क्वांटिटी आपके पूरे हेयर्स पे अच्छी तरीके से लग जाती है. तो इस तरीके से आपको पंप बॉटल में मिलता है और जस्ट अ 2 pumps. ये भी रनी टेक्सचर में आपको मिलेगा और फ्रेग्रेंस वेरी लाइट, वेरी सॉफ्ट, जस्ट लाइक लेमन वाला अगर आपने यूज़ किया होगा, सभी ने किया है तो वो बिल्कुल वैसा टेक्सचर है. और
यस इट्स रियली सुपर्ब एंड जस्ट अ टू पम्प मेरे हेयर लेंथ के लिए इनफ है, कि हेयर लेंथ थोड़ी और लॉन्ग है तो जस्ट लाइक अ 3-4 पम्प्स इज दैट्स इनफ, क्योंकि ये आपके हेयर्स में काफ़ी अच्छी तरीके से यू नो स्प्रेड हो जाता है जब आप इसको अप्लाई करते हैं, तो या विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, काफ़ी कम अमाउंट आपका लगता है और ये बॉटल आई थिंक सो के 3-4 महीने आराम से चल जाएगी, क्योंकि अभी मुझे 1.5 महीना हो चुका है एंड अभी तक ये हाफ भी नहीं हुई है, तो आई थिंक लंबा ही चल जाएगा। इफ यू वॉन्ट टू बाय दिस प्रोडक्ट्स सो चेकआउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मिल जाएंगे एंड यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट्स ऑल्सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट करके बताना आपने अगर ये प्रोडक्ट यूज़ करा है तो आपको कैसा लगा, और अगर आपने नहीं किया है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आप इन प्रोडक्ट्स को ज़रूर यूज़ करो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके हेयर्स पे इसने कैसा वर्क किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।